हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। बजाज कंपनी ने अपनी एक न्यू बाइक को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजाज ने फ्री राइडर नाम से अपनी एक न्यू बाइक को रजिस्टर्ड किया है। बजाज चेतक के बाद अब अपनी एक और न्यू इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने जा रही है फ्री राइडर के नाम से। कंपनी ने फ्री राइडर नाम को अंडर क्लास 12 में रखा है। इस क्लास में वेरियस टाइप के ऑटोमोबाइल आते हैं और इसी क्लास 12 में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंक्लूड रहता है। जैसा कि KTM ने भी अपनी लाइट वेट इलेक्ट्रिक बाइक का नाम रजिस्टर्ड करवाया है, जिसका नाम फ्री राइड EXC है। बजाज की चेतक जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बट जो फ्री राइडर होने वाली है वो बजाज की पहली इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बजाज की आने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइक है, क्योंकि इंडिया में KTM की बाइक को बजाज बनाती है और दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री राइड मतलब आपको इसमें पेट्रोल भरवाने का कोई सीन ही नहीं होने वाला, आप इसको बिना पेट्रोल भरवा के ही राइड करने वाले हो। तो इतना तो श्योर है कि ये बजाज की इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है। अब वहीं इसके डिजाइन एंड फीचर्स की बात करें तो बजाज की फ्री राइडर को हस्क्वर्ना ई-प्लिन प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जाने वाला है। वहीं इसके कंपोनेंट्स जैसे फ्रेम, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो मैक्सिमम हद तक ये ई-प्लिन बाइक से ही मिलता जुलता होने वाला है। ई-प्लिन बाइक को इस साल में रिवील्ड किया गया था। बजाज की फ्री राइडर में हमें राउंड हेडलैम्प और वाइड हैंडल बार भी देखने को मिलने वाला है। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है, बट इसके जो फ्यूल टैंक का लुक है उसको शार्प और नैरो बनाने वाली है कंपनी। इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ कंपनी और भी कुछ न्यू फीचर्स को ऐड कर सकती है। फ्री राइडर बजाज की न्यू रेट्रो डिजाइन की इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है। अभी आप जो यमा की FZX बाइक को देख रही है, ये भी इसी लुक में आती है। इस लुक से ही मिलता जुलता बजाज की इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है। जैसा कि आपने रिवील्ड देखा होगा ई-प्लिन का, तो उसमें भी वो बाइक थोड़ा न्यू कैफे रेसर टाइप में दिखाई देता है। तो ये बाइक भी उसी हिसाब से बन रही है, क्योंकि अभी मार्केट में न्यू रेट्रो डिजाइन का ही लुक को काफी डिमांड में, काफी पसंद में किया जा रहा है। साथ ही इस बाइक में न्यू ग्राफिक्स और शार्प लुक दिया जाएगा, जिससे ये लोगों को आई कैचिंग लगने वाली है। वहीं इस बाइक के पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें 8 kW की इलेक्ट्रिक मोटर को यूज किया जाने वाला है और 48 kV का इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है। इस बाइक को सिटी राइड के लिए बनाया जा रहा है। इस बाइक को फुल चार्ज करने से आप एक बार में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। वहीं इस बाइक के लॉन्च डेट की बात करें तो कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इस साल के एंड में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि बजाज और KTM के बीच कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें दोनों कंपनी सेम प्लेटफॉर्म में ही बाइक को तैयार करने वाली है। तो अगर दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है तो कंपनी को न्यू प्लेटफॉर्म बनाने का टाइम बच जाता है, जिससे कंपनी जल्दी जल्दी अपने न्यू बाइक को लॉन्च कर सकती है, जिसको तैयार कर सकती है। वहीं बजाज की अपकमिंग बाइक फ्री राइडर बाइक के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कम होने वाला है। जैसा कि बजाज की स्कूटर चेतक का प्राइस है, उसी रेंज में इसको भी मार्केट में उतारा जाने वाला है और फेम 2 सब्सिडी आने के बाद इसका प्राइस और भी कम हो सकता है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 80,000 से 1,00,000 के बीच होने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बाइक से रिलेटेड यही अपडेट मुझे मिला हुआ है, और जैसे ही इस बाइक से रिलेटेड और भी कोई अपडेट मिलता है तो मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो आप मुझे कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पर अपडेट कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट करके स्टोरी में डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट अगर मैं यूट्यूब पर इसका वीडियो बना के डालता हूँ तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले जानना चाहते हैं कोई भी बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें ऑटो न्यूज़ और अपडेट का मैंने बारे में बताया है। उसमें सारा आपको ऑटो न्यूज़ का अपडेट मिल जाएगा, तो वो भी आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।